फ्रेंड कैसे हैं। तो भाई आज हम लोग डीजे बजाने के लिए जा रहे हैं गौर के पास, क्योंकि पूरा सिस्टम लग गया है और भाई ये लगा दिया जो कि वहाँ पे रोशनी कम होता था, क्योंकि आप लोग को पता है बॉलूम को सेट करने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो आज ये लगा दिया भाई, और अपना ये एडाप्टर जो नाम प्लेट का होता है वो ख़राब हो गया था, तो अभी लेके आया भाई जो कि 120 रुपये का, क्योंकि आपको पता है 12 वोल्ट पे इजीली चल जाता है जिससे नाम प्लेट चलता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है। उससे महंगा भी आप लोग लगा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा यही लगाइए सस्ता वाला, अच्छा खासा काम कर देता है। तो भाई आज एम्पलीफायर आप लोग देख सकते हैं 45,600 और 2,701 ऑलरेडी हमारे पास, अभी पकड़ के चलिए एक सिस्टम का माल पड़ा हुआ है, बट इसलिए नहीं लोड हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ठंडी चल रहा है, इसमें मशीन टेम्प नहीं मार सकती है, इसलिए हम लोग दो यूज करते हैं, 700 4500 और अपना 6000। आने वाले समय में आप लोग को इलेक्ट्रिक 7600 देखने को मिलेगा, और 32 तो बंद ही कर दिया भाई, 32 नहीं चला रहा हूँ, 400 वाट स्पीकर सब हटा दिया, सिर्फ दो ही पीस बचा है ये भी चला जाएगा। तो चलते हैं हम लोग वहाँ पे, और आज तो काफ़ी अच्छा खासा रोशनी मिलेगा। और भाई आप लोग देख सकते हैं दो जनरेटर रहता है, और दोनों जनरेटर प्रकाश का है भाई, और दो स्टेबलाइजर जो होता है यहीं पे देख सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और आज हुआ है, देख सकते हैं सेटअप में अपग्रेड, ये रहा 518 और लगा दिया भाई ऊपर 8 पीस, जो कि हॉर्न वाले में आप लोग को पता होगा, जो कि लॉन्ग के लिए, क्योंकि हमारा सेटअप थोड़ा नज़दीक में ट्यूटर ज़्यादा रहता था और दूर थोड़ा कम पड़ता था, क्योंकि आप लोग को पता है सारा ट्यूटर नीचे ही है, तो आज लगा दिया 518 ऊपर, और दूर का भी क्वालिटी मिलने लगेगा, क्योंकि बेस भाई बहुत ज़्यादा है और आप लोग को पता है 518 जो कि होता है बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स उसका भी रहता है। तो लगा दिया भाई, देखते हैं जिसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। आप लोग पता है टेस्टिंग नहीं हुआ, क्योंकि बगल में स्कूल है वहाँ पर जो कि परीक्षा होता है, इसलिए चेक नहीं कर पाते हम लोग, डायरेक्ट जाएंगे पार्टी के यहाँ वहीं पर बजाएंगे, क्योंकि पहले 4 ही पीस चेक होता है, उसके बाद जब रात होता है तब चला जाता है पूरा। चलते हैं वहाँ पे। भाई हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोग को अगवानी कराना है, जो कि पीछे आप लोग मैरिज हॉल देख सकते हैं, वहाँ पे मैरिज हॉल है अपना, तो हम लोग को यहीं अगवानी कराना है, तो देखते हैं कितने टाइम में खाली होते हैं। फिलहाल तो अभी टाइम हो रहा है, देख सकते हैं 9 बज रहा है, तो अगवानी जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे। और कल का जो हम लोग का बुकिंग है, कल जाएगा हम लोग का बुकिंग किनिज बाज़ार में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को अगवानी कराना है, भीटा से बरात उठाएंगे कल हम लोग। तो देख सकते हैं पूरा सब यही है, तेल वेल हम लोगों ने पूरा फुल कर दिया टंकी का, और चेक करेंगे आज भाई लगन का जो था ना, सबसे ज़्यादा डीजे आज ही बजाना पड़ा, क्योंकि 8:30 बजे वहाँ से हम लोग यहाँ तक बजा के आए, क्योंकि 2 ही 3 किलोमीटर का अंतर था जहाँ पर शादी है उनके घर से और मैरिज हॉल का। तो देखते हैं कितना देर में अगवानी ख़त्म होता है। तो भाई हम लोग अगवानी करा के आ गए, यहाँ पे सामान उतारा जा रहा है, देख सकते हैं सारी की लाइट सब कुछ यहाँ पे रख दिया गया, और टाइम देख सकते हैं 12:35, और भी देख सकते हैं ट्यूटर और बॉक्स जनरेटर सब कुछ पड़ा है। तो हम लोग उतारते हैं भाई, मिलते हैं और एक ब्लॉग में, सब तक के लिए धन्यवाद।